हमने लास्ट टाइम विजुअलाइजेशन के बारे में काफी चीजों को डिस्कस किया था। आज हमारी डिस्कशन है कि टेस्ट और कंडीशंस के, कि किस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमारी जो आउटपुट्स आ रही है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हम अपने टेस्ट के ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं, जिस तरह ट्रू की कंडीशन है, फॉल्स की है, एंड और की है, सेम इसी तरह बहुत सारी कंडीशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, टेस्ट्स एंड कंडीशनल्स। अब हमें पता है कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 सिंपल यहां तक छोड़ दें, शिफ्ट एंटर प्रेस करें, आंसर 4 आएगा। लेकिन 2 + 2 = 4, इसका मतलब है हमने इक्वेट करके लिख दिया, 2 + 2 = 4, इसका मतलब है हमने आंसर भी बता दिया, हमने क्वेश्चन सिर्फ नहीं बताया, हमने आंसर भी बता दिया। अब उसके ऊपर वो कंडीशनल चेक लगाएगा कि इज इट ट्रू और फॉल्स, अगर आपकी वैल्यू ट्रू होगी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरह ये इक्वल की जगह पे हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। जिस तरह नीचे देखें, 2 × 2 = 5, 2 × 2 = 4, नॉट ग्रेटर देन 5, इट इज लेस देन 5, देन और आंसर इज फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स की कंडीशंस हैं जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ये इफ एल्स कंडीशन स्टार्ट होगी, 2 + 2 = 4, देन एक्स, ये अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि यहाँ पे डबल वेरिएबल है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट इज एक्स, ये फर्स्ट वेरिएबल, एल्स वाई, 2 + 2 = 4, ट्रू, देन आवर आउटपुट इज एक्स, अदरवाइज एल्स आउटपुट वुड बी वाई। जिस तरह ये देखें नीचे, इफ नंबर हैश, ये हैश साइन मीन्स फॉर नंबर, इफ नंबर इज लेस देन 4, देन एक्स, एल्स वाई। दोबारा से, इफ हैश फॉर नंबर लेस देन 4, देन एक्स, एल्स वाई, एंड एट द रेट या नंबर्स, एंड नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, 1 कंडीशन के मुताबिक 1 इज लेस देन 4, यस ट्रू एक्स, 2 कंडीशन के मुताबिक नंबर लेस देन 4, यस ट्रू एक्स, 3 कंडीशन ट्रू एक्स, 4 नॉट लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन 4 इज इक्वल टू 4, नॉट लेस देन 4, सो वाई, 5 इज ग्रेटर देन, कंडीशन फॉल्स, वाई, सेम फॉर 6 और 7। तो ये आपके पास मल्टीपल कंडीशन का चेक हो सकता है, जिस तरह एक से ज्यादा कंडीशन के लिए आपने यहाँ पे लगाया है कि आपने अपनी वैल्यूज दी और उनको चेक किया कि अगर वैल्यूज लेस देन 4 है, हैश का मतलब है नंबर, आप जितने नंबर मर्जी आप उसके बाद डिक्लेयर कर लें, वो उसके मुताबिक आप कौन से शोर करवा लें। सेम एक तरह यहाँ पे देखें, वही चीज है, इफ एन एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 4, अब देखें वहां पे सिर्फ लेस देन था, यहाँ पे इक्वल टू भी आ गया, तो अब ये 4 वाला जो था, 4 वाली जो कंडीशन थी, ये भी ट्रू हो गए, पहले लेस देन में ये फॉल्स थी तो यहाँ पे वाई था, अब ये ट्रू हो गई है तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया। इसी तरह एक्स इक्वल टू 4, अब सिर्फ एक दफा ट्रू होगा जब एक्स इक्वल टू 4, अदरवाइज फॉल्स, और फॉल्स के लिए हम इफ के अपोजिट एल्स कंडीशन को यूज करते हैं, तो इफ एल्स के मुताबिक इफ का एक्स आंसर है और एल्स जो है उसका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा या वो फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने देखा कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं, इन ऑप्शंस के बेस पे हम वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, फॉर सिंपल वैल्यू या फॉर मल्टीपल वैल्यूज। हमने मल्टीपल वैल्यूज के लिए भी चेक किया ना, ये देखे कि एक्स के लिए या वाई के लिए। अब वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, अब नॉट इक्वल टू 2 ये साइन सिंपल आपके पास नहीं होगा, तो इसके लिए आपको क्या नॉट ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा, नॉट का साइन जो है, और उसके बाद इक्वल टू, ये स्टैंड्स फॉर नॉट इक्वल, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 देन एक्स एल्स वाई। तो अब जो एक्स इक्वल नहीं है वो सारे के सारे एक्स हैं, एल्स में जहाँ पे वो इक्वल है एक ही कंडीशन बनती है वहां पे वाई आ जाए।
तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि किस तरह से इफ एल्स काम करते हैं। अब देखो सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ग्रेटर देन 3, आपने एक लिस्ट उसे दी, आपने उसे एक इनपुट दी और उस इनपुट में आपकी डिमांड है कि आप ग्रेटर देन 3 यानी कि 3 से बड़े जो नंबर्स हैं आप उन्हें देखना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, बाकी को नहीं देखना चाह रहे। तो वो ग्रेटर देन 3 वाले जो कंडीशन है वो आपके सामने आ गई। अब ये सेलेक्ट आ गया, इफ वाली कंडीशन खत्म हो गई, इफ एल्स खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्ट को यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेलेक्ट को। नीचे देखिए अगेन आपने सेलेक्ट एक लिस्ट दी, उस लिस्ट में से क्या सेलेक्ट करना है, 2 इज लेस देन इक्वल टू नंबर लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि 2 से लेके 5 तक ये नंबर जो है ये आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो है वो कंडीशन क्या है। तो ये कंडीशन के हिसाब से आपके पास वैल्यूज जो है वो वेरी करती रहेंगी कि आपने कौन सी वैल्यूज जो है वो सेलेक्ट करनी है, कौन सी सेलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इवन क्यू या ऑड क्यू के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे इवन क्यू ऑड क्यू, वी टेस्ट वेदर नंबर्स आर इवन और ऑड। अब क्यू का मतलब क्या है कि फंक्शंस क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यू हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नंबर्स के लिए कि फंक्शन आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। इवन क्यू, इवन नंबर क्यू, अगर 4 इवन है तो ट्रू, अगर 4 इवन ना हो, यहाँ पे 4 के अलावा कोई और नंबर हो जो कि इवन ना हो तो यहाँ पे आंसर फॉल्स। अब देखिए सेलेक्ट इवन नंबर, सेलेक्ट की कमांड पिछली, इवन क्यू नंबर एड, अब इसमें से जितने भी इवन है वो सारे सेलेक्ट। अब यहाँ पे ऑड क्यू लिखेंगे तो ऑड नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे सिंपल। अब सेम इसके लिए हमें ये आर्गुमेंट देने के लिए इवन क्यू नंबर की जरूरत ही नहीं है, हम सिंपल इवन क्यू लिख दें अगर तो हमारे पास आंसर फिर भी सेम आएगा, हमारे पास जो इवन नंबर है लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किसके लिए था, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने कंडीशंस को पढ़ी ट्रू फॉल्स, फिर इफ एल्स पढ़ा, उसके बाद हमने नेक्स्ट में देखा कि हमारे पास इवन ऑड का और अब हम देख रहे हैं सेलेक्ट का। तो ये सारे अब फिर हमने सेलेक्ट के साथ इवन ऑड को भी देख लिया। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए प्राइम क्यू, इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो ये सारे के सारे आपके पास है कंडीशंस मल्टीपल लगे, अगेन इवन नंबर्स ग्रेटर देन 4, इवन नंबर्स ग्रेटर देन 4, यहाँ पे आपके पास कंडीशंस में आ रहे हैं नॉट ग्रेटर देन 4, ये देखें ये डबल स्लैश फॉर नॉट, नॉट इक्वल ग्रेटर देन 4, तो ये 4 से लेस नंबर जो है वो आपके पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो बातें हमने पढ़ी हैं एक टेबल के फॉर्म में इक्वल के लिए, इक्वलबिलिटी के लिए टेस्ट, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद टेस्ट वैल्यूज, इफ एल्स कंडीशन, फिर सेलेक्ट कंडीशन, फिर इवन ऑड कंडीशन, फिर इंटीजर और प्राइम नंबर्स की कंडीशन, ये सारी हमने अभी डिस्कस की है। अब यहाँ तक तो हमारी बात चल रही थी टेस्ट एंड कंडीशंस की, अब यहाँ के बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है मोर अबाउट प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन के बारे में हम थोड़ी डिटेल बात करते हैं। देखें हमने अरेज और लिस्ट में देखा था कि मल्टीपल अरेज और लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जा सकती है, लेकिन ये फंक्शन में भी कर सकते हैं। देखें इसका मतलब क्या है, 10 एलिमेंट्स अरे विद एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एफ, अरे आप फंक्शन एफ कितनी अरेज, 10 अरेज, तो ये देखें 1 2 3 4 5 10 होगी, ओके फाइन ये समझ आ गई। अरे स्केयर ऑफ अ नंबर टिल 10, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 3 का स्केयर 4 का 10 के स्केयर तक हमारे पास ये अरे आ गई। तो उसके बाद टेबल कैन गिव द सेम रिजल्ट थ्रू यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इन वेरिएबल, अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नंबर के स्केयर की बजाय एन का स्केयर देना पड़ेगा, और एन को कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, 10 तक। ये कमांड अगर आप टेबल की देखें तो ये हमारी प्रीवियस क्लासेस में बड़ी दफा डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद अगेन नीचे आपके पास देखें अरे एफ 4 मेक अ सिंगल लिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, हमें पता है अरे 3 4 मेक 3 4 अरे 3 क्रॉस 4 अरे, अब हम देखते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ लेंथ 3 ईच ऑफ 4 एलिमेंट्स लेंथ 4, तो ये देखें फंक्शन 1 1 फंक्शन 1 2 फंक्शन 1 3 फंक्शन 1 4, ये पहली अरे खत्म हो गई है, देखिए ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, यहाँ से अगेन शुरू हुई है 1 2 3 4 यहाँ तक अगेन खत्म हो गई, यहाँ से फिर नहीं शुरू हो रही है, तो ये आपके पास क्या हो गया है
ये 4 4 की तीन अरेज आपके पास बन गई है। अब अगर इन्हीं को 4 4 की तीन अरेज को आप ग्रिड की फॉर्म में, जो हम ग्रिड की कमांड यूज करते थे रोज एंड कॉलम के लिए, वो यूज करेंगे तो ये देखें आपका ग्रिड की फॉर्म में। अब विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, 4 4 एलिमेंट्स की कितनी अरेज, 3 अरेज हो गई है। और ग्रिड में हमारे लिए उसे विजुअलाइज करना काफी हद तक आसान हो जाए। उसके बाद हमारे पास है अगेन प्योर फंक्शन की कमांड है, हमने उसे क्या किया कि 5 का 5 टाइम ले लिया, टाइम्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है कि टाइम्स का फंक्शन जहाँ पे भी यूज होगा टाइम्स स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन का टेबल आपके पास आ गया है, ये आपने पहले भी एक दफ़ा जनरेट किया था। उसके बाद हम समटाइम नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं फंक्शन और नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि फंक्शन नंबर 1 का नंबर 2 का, और नंबर 1 यहाँ पे है 55, नंबर 2 66, तो फंक्शन अप्लाई हो गया नंबर 1 एंड नंबर 2 पे 55 एंड 56। इसी तरह फंक्शन नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 टू 1 तो 55 और 66, फंक्शन आप 2 की जगह पे 66, 1 की जगह पे 55, फिर 2 2 यानी कि 66 66 और 1 की जगह पे 55, तो ये आपका फंक्शन सेलेक्ट हो गया आ गया। इसके अंदर आर्गुमेंट्स के अंदर आपने क्या किया, नंबर्स के हिसाब से सिलेक्शन कर ली। सर नंबर 1 या ये हैश का साइन आपको पता है कि नंबर के लिए यूज होता है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। नाउ वी कैन यूज 1 एंड 2 इनसाइड फंक्शंस, तो आपने ग्रिड के लिए यूज कर लिया, ग्रिड बनाने के लिए आपने ये सारी की सारी वैल्यू यूज कर ली है मल्टीप्लीकेशन के टेबल। ये देखिए नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, नंबर 1 5 नंबर 2 भी 5, उनको मल्टीप्लाई करके आप 5 5 तक 25 तक अपनी वैल्यूज को लेंगे। उसके बाद अगेन हमारे पास प्योर फंक्शन आ गया x whenever the numbers are equal, जहां पे नंबर इक्वल है वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 देन x नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, तो 5 5, तो यहां पे आपको पता है 1 आता है, यहां पे आपके पास 1 1 1, यहां पे आपके पास सेम नंबर जहां जहां पे आते जाएंगे वहां वहां पे आपके पास क्या आता जाएगा, यहाँ पे 5 5 और 25, यानी कि दोनों मल्टीपल जो है वो यहाँ पे 1 1 का मल्टीपल आता है, तो इसलिए नंबर जो है वो आपका चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 2 का मल्टीपल आता है, उसके बाद यहाँ पे 3 3 का मल्टीपल आता है, 4 4 का और 5 5 का, यहाँ पे सेम नंबर के मल्टीपल आते जाएंगे वहाँ पे वो क्या करता जाएगा, प्लेस करता जाएगा एक्स को। तो अगर आपके पास सेम नंबर के अलावा आपको लगवाना चाहते हैं नॉट इक्वल टू के लिए, तो इक्वल से पहले नॉट का ऑप्शन लगा देंगे तो नॉट इक्वल वालों के लिए एक्स आ जाएगा, यानी कि आप इसको वेरी कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो जरूर चेक किया करें इन चीजों को। उसके बाद है अगेन वही चीज आ गई हमारे पास एक्स आई क्रॉस ए या आई मल्टीप्लाई ए, अब आपको पता है कि वहां पे आपने नंबर 1 नंबर 2 यूज किया था, यहाँ पे आप आई जे की कमांड को यूज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने नंबर रोज और कॉलम के लिए आई और जे की कमांड को यूज किया अपने प्रीवियस लेक्चर में, बाकी सेम कहानी है, बाकी कोई चेंज नहीं है, उसको बस उसका स्ट्रक्चर चेंज करके लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेस्ट लिस्ट। नेस्ट लिस्ट क्या करती है कि एक फंक्शन को पिक करती है और सक्सेसिवली उसे हमारी गिवन कमांड तक इम्प्लीमेंट कर देती है। मसलन नेक्स्ट लिस्ट हमने किया एफ एक्स 5, यानी कि फंक्शन हमने लिया एक्स का 5 टाइम्स, तो ये देखें एक्स फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 5, ये 5 टाइम्स उसके फंक्शन उसने आपको शो करवा, तो ये हमारे पास क्या था नेस्ट लिस्ट का। आपको समझ नहीं आई तो ठीक है, नीचे वाले देखें, ये हमने फ्रेम के फॉर्म में लिख दिया ताकि समझना आसान हो, फ्रेम नील 1 2 3 4 5 0 to 5 फ्रेम्स जो है वो आपको सामने शो हो। सेम इसी तरह हम फोल्ड लिस्ट को यूज करते हैं, हम किसके लिए, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के लिए, तो ये देखें फोल्ड लिस्ट फंक्शन ऑफ एक्स 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ 1 फंक्शन ऑफ 2 फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन ऑफ 4 फंक्शन ऑफ 5 विद एक्स, अब वो डबल फंक्शन हो गया एक्स का भी और 5 का। इसी चीज को अगर आप फ्रेम में देखें तो ये देखें नंबर 1 नंबर 2 एक्स लगाना है आपने और नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये आपके सामने फ्रेम उसके 1 2 3 4 5 के हिसाब से आपके सामने बने। तो ये फ्रेम की फॉर्म में हम इसलिए देखते हैं ताकि हमारी विजुअलाइजेशन बेहतर हो जाए, हमें विजुअलाइज दोनों चीजें जो है वो इकट्ठा अच्छी तरह शुरू हो जाए, तो ये विजुअल्स के लिए हम जो है वो नॉर्मली यूज कर।
Fold list is good for progressively accumulating things. Let's start with a simple case. At each step, fold list folds is another element. Number two, adding it to the results of so far number one. Fold list number one plus number two. यानी उसको add कर रहा है और ये zero से onwards start होगा. Zero, one, 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 two, zero, zero. तो zero, one plus one, two, again one plus two, two, फिर one plus two, three, three plus two, five, five and five. उसके बाद ये आगे again zero में आ गया तो इसलिए हमें उसकी जरूरत है. पहले नंबर पे जीरो आएगा, जीरो प्लस वन, अब वन प्लस वन, अब हमारे पास आंसर टू है तो टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस जीरो जीरो, फाइव प्लस जीरो जीरो, यानी कि वन बाय वन उन नंबर्स को एक दूसरे के अंदर हमने क्या किया, ऐड करते गए. इसी तरह हमारे पास एक कंपटीशन है, हमने अब क्या किया, हमने आंसर वैल्यू लिखी और उससे क्वेश्चन डिमांड किया. तो ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का ये सेट था जिसको हमने अनफोल्ड करके लिखा और सेम इसकी कमांड हमने नीचे लिखी है. ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आने के चांसेस नहीं होते कि जिसके अंदर वो अनफोल्ड खुद करके दे और फोल्डिंग आपसे मांगे. आपको हमेशा फोल्ड फंक्शन दिया जाएगा, अनफोल्ड उसको आपने करना. उसके बाद अगेन आपके पास फोल्ड लिस्ट है, फोल्ड लिस्ट को आप कैसे यूज करते हैं हम इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह. वन प्लस टू नंबर वन एंड नंबर टू, जीरो से स्टार्ट होना है. जीरो स्टार्ट में, जीरो प्लस ए आंसर ए, अब जो आंसर है उसे बी में ऐड करें तो ए प्लस बी, अब आंसर ए प्लस बी है उसे सी में ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस सी, अब जो आंसर है उसे डी में ऐड करें तो प्लस डी भी हो जाएगा और ई में ऐड करेंगे तो वन बाय वन बुजू से ऐड कर देंगे. अब इसी चीज़ को हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, यानी कि नंबर वन नंबर टू की बजाय सिंपल प्लस के फंक्शन को कॉल कर लिया. तो प्लस का फंक्शन भी सेम परफॉर्मेंस देगा जो नंबर वन एंड नंबर प्लस नंबर टू दे रहे. हमने यहाँ पर सिंपल फंक्शन कॉल कर लिया तो आपके पास वही आंसर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा. अब ये देखें फोल्ड लिस्ट टेन नंबर वन प्लस टू, तो ये आपके पास आंसर जो है उसको आना स्टार्ट हो गया. टेन नंबर्स को मतलब है टेंथ पोजीशन, यानी कि एट एट पहला एट, फिर एटी सेवन, टेन उसकी टेन टाइप्स एटी सेवन, फिर एटी सेवन के साथ सिक्स, एट सेवन सिक्स, फिर एट सिक्स वन, फिर एट सेवन सिक्स वन टू, वन बाय वन, यानी कि उसके टेन टाइम्स के हिसाब से वो नंबर्स को शो करना. ये हमने अभी तक जो बातें की हैं अरे के बारे में या फोल्ड लिस्ट के बारे में, उसके लिए आपके पास टेबल है. अब एज यूजुअल हम अपना सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं ताकि हमारी चीज़ें साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएं. आपको मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको इसके अंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा है. और प्रैक्टिस में ये मेक श्योर किया करें कि चीज़ें जो हैं वो आप प्रैक्टिस करते हुए ये चीज़ मेक श्योर किया करें कि आप उसके जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस बनते हैं उन सारे ऑप्शंस को चेक करें, बजाय इसके कि किसी एक ऑप्शन जो है उसको आप सिलेक्ट करके बैठ जाएं और कहें कि बस वो हमारा हो गया. ऑप्शंस में थोड़ी सी वेरिएशन ला के चेक किया करें. उससे क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में आपके पास एग्जाम में वो क्वेश्चन चेंज भी करके दे तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये मैंने इस तरह से ट्राई किया था तो इसका आंसर ये होगा. तो हिट एंड ट्रायल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप परफॉर्म किया करें. हमने सबसे पहले क्या कहा था, हमने कहा था कि देखें हमें पता है टू प्लस टू आंसर इज फोर. अब हमने क्या किया, क्वेश्चन दिया, अब हम कहते हैं कि हम उसे इसकी स्टेटमेंट जो है वो आंसर तक पूरी करके दे देते हैं. तो अब वो हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर देगा. मैं कहता हूं कि टू प्लस टू इज नॉट इक्वल टू फोर, देखें फॉल्स हो गया. नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका दोबारा बता दूं, ये नॉट का सिंबल होता है, ये जो अभी आपके सामने शो हो रहा होगा नॉर्मली कीबोर्ड के वन के साथ ऊपर देखें ना तो नॉट का सिंबल बना होता है और इसके साथ आप इक्वल लिखेंगे ना तो ये नॉट इक्वल बन जाएगा, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके पास हो रहा है. इसी तरह हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए किया था कि टू मल्टीप्लाइड बाई टू कर दें, टू मल्टीप्लाइड बाई टू, तो अगेन हमारे पास वही ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर दे देगा. इसके बाद हम आगे चले थे, हमने कहा था कि इफ एल्स की फॉर्म में, इफ हमारा फंक्शन है बिल्ट इन, हमने कहा था कि टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर देन आउटपुट शुड बी, सपोज मैं कहता हूं देन आउटपुट शुड बी शाहिद एल्स निल. चेक करता हूं, ये देखिए
अगर मेरा आंसर ट्रू है तो मेरी आउटपुट जो है वो क्या होगी, शाहिद होगी, एल्स आउटपुट जो है वो नील होगी। तो ये आपके पास है, दोबारा से बता दो, 2+2 सिंपल हमारे पास वैल्यू 4 आंसर आया, हमने पहले किया होगा एडिशन का। अब हमने उसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया चेक करने के लिए कि ट्रू है या फॉल्स है, 2 × 2 या 2+2 = 4। तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 4। तो अब ये जो 4 हमारे पास आंसर आया है इसको हम फॉल्स करने के लिए नॉट की कमांड यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 4। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा इफ एल्स की कंडीशन को यूज करते हैं, ट्रू फॉल्स हमने चेक कर लिया। अब हमने चेक क्या करना है, इफ एल्स की कंडीशन, इफ 2+2 = 4, उसके बाद ये कॉमा के बाद इसका मतलब है देन प्रिंट दिस वन, एल्स दिस वन। अब देखो किसी वजह से मैं कहता हूँ 2+2 की जगह पे 2+3 कर देता हूँ, अब देखें आउटपुट में शायद की जगह पे नील आ जाएंगे, ये देखें आउटपुट उसमें नील रहती है। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी आउटपुट कर लें तो आपकी बात है सेम ही रहेगी। इसी तरह हमने कहा था कि अगर हम इफ एल्स की कंडीशन को यूज करें तो इफ, अब हम नंबर के लिए हैश को यूज कर रहे हैं, इफ नंबर इज लेस देन 5 सपोज देन एक्स एल्स वाई, व्हाइल या एंड, और नंबर इज, ये अब इसका चेक कर लीजिएगा कि मैं किस तरह से कमांड दे रहा हूं, तो ये चीज भी आपसे मिस हुई। तो नंबर इज 2, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 1, तो ये मैंने अपने नंबर दे दिए। ये देखें इफ नंबर इज लेस देन 5, 2 < 5 ट्रू एक्स, 4 < 5 ट्रू एक्स, 6 नॉट ट्रू फॉल्स वाई, 8 फॉल्स वाई, 9 फॉल्स वाई, उसके बाद अगेन 1 तो ट्रू एक्स। तो ये आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, उसने आपको शो करवा दिए वो सारी वैल्यूज जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि उनको हम किस तरह से लेके चल सकते हैं अपने क्वेश्चन के। तो ये हमारे पास क्या था, ट्रू एंड फॉल्स। अब हम इवन ऑड के लिए करते हैं, तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है इवन, EVEN, ये देखें इवन क्यू ऑड क्यू आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है। तो उसके बाद हमें कमांड देनी होती है, अगर हम इवन चेक करना चाह रहे हैं लाइक 6, तो ये देखें ट्रू 6 जो है वो एक इवन नंबर है। अब हम चाहते हैं कि हम इवन को सेलेक्ट करें, तो हम सेलेक्ट का फंक्शन यूज कर लेते हैं, ये देखें ये सेलेक्ट, और अपनी लिस्ट दे देते हैं उसे जिसमें से उसने इवन सेलेक्ट करने हैं, 1, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 2 सपोज ये लिस्ट है हमारे पास, और इसमें से फाइंड क्या करना है हमने, इवन या ऑड जो भी चीज आपने फाइंड की, इवन ऑड दोनों आप यहाँ पे कर सकते हैं, इवन क्यू करेंगे तो इवन नंबर, ऑड करेंगे तो ऑड नंबर, ये देखें ये इवन नंबर आ गए। अब मैं इसी को यहाँ पे चेंज करता हूँ एक माइनर सी चेंजिंग, और इसको मैं ऑड क्यू कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ ऑड क्यू कर देता हूँ, ये देखें ये ऑड क्यू और ये नंबर आ गया। ये इवन ऑड के लिए आप बस आपने फंक्शन का नाम चेंज करना है और उसके साथ ही ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, आपके पूरी की पूरी आउटपुट जो है वो चेंज होकर आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हो या कोई और नंबर सेलेक्ट करना हो तो ये देखें सेलेक्ट के लिए हम एक और कमांड यूज कर लेते हैं कि सपोज मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट करें, उसके बाद अपनी एज यूजुअल लिस्ट ऑफ नंबर्स देता हूँ, 1, 4, 5, 3, 2, 8, 9, 7, मैंने कोई लिस्ट दी, इसमें से सेलेक्ट क्या करना है, इवन क्यू, इवन क्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इवन क्यू के लिए मैं यहाँ पे इवन क्यू के नंबर सेलेक्ट करने हैं हमने, और वो इवन क्यू के नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, लाइक मैं वैल्यू दे देता हूँ एंड लेस देन फाइव कर देते हैं, लेस देन फाइव सपोज,
लेस देन फाइव तक मैं चेक कर रहा हूँ वो नंबर एंड आवर आंसर इज ये नहीं कहीं पे एरर है सेलेक्ट लिस्ट उसके बाद इवन क्यू नंबर एंड हाँ एंड नंबर इज यहाँ पे एंड नंबर इज लेस देन फाइव ये देखें लेस देन फाइव जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास शो हो रहे हैं फोर टू नहीं लेस देन फाइव नंबर लेस देन फाइव इवन टू एंड लेस देन फाइव सारी आउटपुट नहीं दे रहा शायद कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है अच्छा ठीक है लेस देन फाइव इवन नंबर वो हमें दे रहा है ठीक है लेस देन फाइव के जितने भी इवन नंबर बनते हैं वो हमें दे रहा है टू और फोर दो इवन नंबर बनते हैं अब ये इवन क्यू की जगह पे आप ऑड क्यू कर देंगे तो आपके पास लेस देन फाइव जो ऑड नंबर आपके होंगे वो शो होंगे तो ये हमारे पास थे किसके अंदर अपनी कंडीशंस के अंदर और टेस्ट के अंदर उसके बाद हमने बात की थी कि हम जो टेबल्स के फॉर्म में अरे को यूज़ किया करते थे प्योर फंक्शन में वो हम यूज़ कर सकते हैं इसकी एक एग्जांपल हमने स्टार्ट की अरे और उसके लिए हमने फंक्शन लिया लाइक फाइव तो ये देखें फाइव फंक्शन की अरे आ गई अब अरे के अंदर जो फंक्शन है ना इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ अरे की वैल्यूज को मैं कर देता हूँ कि एनी नंबर और उस नंबर का पावर थ्री नंबर पावर थ्री एंड नंबर लिमिट दे देता हूँ नंबर लिमिट इज सिक्स तो ये देखें वन उसके बाद टू पावर थ्री थ्री पावर थ्री फोर पावर थ्री फाइव पावर थ्री सिक्स पावर थ्री तो हमारे पास आंसर है तो ये आप इस तरह से पावर्स दे सकते हैं अब ये यहाँ पे आपने हैश टैग को यूज किया है यहाँ पे आप एन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप किसे यूज कर सकते हैं एन पावर टू जो आपने पहले भी टेबल की फॉर्म में अरेज की हुई है तो आप वहां पे एन पावर टू करेंगे तो अरे की जगह पे आपको क्या देना पड़ेगा टेबल की कमांड देनी पड़ेगी तो ये आपका सिंटैक्स जो है कमांड का वो चेंज हो जाएगा एन पावर थ्री और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन किया करते थे कि हमारे पास नंबर्स क्या है तो हम कहते थे कि एन टू सिक्स तो ये नहीं आपके पास सेम आउटपुट यानी कि सिक्स तक जो एन है उसकी पावर थ्री आपको शो होगी अब इसी को अगर हमने चेंज करना हो लाइक तो हम क्या करते हैं इसके लिए कमांड देते हैं किसकी ग्रिड ये ग्रिड की फॉर्म में अब नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल एक कमांड है अब इस कमांड को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं हम जाते हैं वापस अपनी अरे वाली लिस्ट में हमने अरे की बात की थी अरे कौन सी हमारे पास थी हमारे पास एक फंक्शन था और उस फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज दी थी कि तीन अरेज बननी चाहिए फोर फोर की पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं उसके बाद हम इसको ये देखें ये अब आपके पास है कितनी अरेज बन गई हैं थ्री अरेज बन गई हैं फोर फोर ये देखो अब इसी कमांड के साथ मुझे सिर्फ एक चेंज करना है और वो चेंज क्या है कि मुझे ग्रिड की कमांड जिस तरह आपको पता है ना वो डबल हैश एन की कमांड हम दिया करते थे तो यहाँ पे मुझे किसकी कमांड दे देनी है ग्रिड की कमांड दे देनी है तो ये ऑटोमेटिकली आंसर जो है ये देखें हमें ग्रिड में आंसर जो है वो कन्वर्ट करके दिखा देगा तो ये आप याद रखिएगा किसी भी कमांड को किसी भी आंसर को ग्रिड में देखना हो तो आप उसके बाद ग्रिड की कमांड देंगे और आपका आंसर जो है वो शो हो जाएगा इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं चेक कर सकते हैं एक इसके अंदर हमने नई चीज पढ़ी थी कि हम वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवा सकते हैं मसलन हमने कहा था कि हमारे पास एक अरे है उस अरे के अंदर जो नंबर वन है नंबर वन उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम नंबर टू के साथ और उनके जो आंसर हैं उन पे लिमिट लगा सॉरी उन नंबर्स पे लिमिट लगा देते हैं कि फाइव फाइव नंबर वन भी फाइव है नंबर टू भी फाइव है और इसको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज तो मेरे पास आंसर क्या आएगा ये मेरे पास आंसर आ गया है ये देखें ये आंसर आ गया मेरे पास अब मैं इसको ग्रिड फॉर्म में देखना चाहता हूँ मैं इसको किस में देखना चाहता हूँ ग्रिड फॉर्म में तो मैंने डबल स्लैश ग्रिड दिया तो ये देखें आपके पास आंसर जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्रिड में
अब हमारे पास एक कमांड थी कि हम किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं इसी तरह के किसी एक फंक्शन के साथ, यानी कि हम जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सपोज अपना एक अरे का फंक्शन लेते हैं इफ एल्स का। अरे में इफ एल्स हमने आज स्टार्ट किया था, तो हम कहते हैं, बात करते हैं इफ किंग, इफ इफ का फंक्शन आ गया इफ नंबर वन इज इक्वल टू नंबर टू देन एक्स एल्स नंबर वन मल्टीप्लाइड बाय नंबर टू मल्टीप्लाइड बाय नंबर टू एंड वेट अ वाइल प्लीज। ओके नंबर वन एंड नंबर टू और उसके बाद हमने इन्हें इसे देने हैं नंबर्स कि हमारे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं एंड और नंबर्स कुड बी जैसे हमने पहले दिए हैं 5 to 5 और ये देखिए ये। अब इसमें क्या है कि जहाँ पे वन मल्टीप्लाइड बाय वन है इफ एक्स वन नंबर वन एंड नंबर टू दोनों इक्वल है, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर वन और नंबर टू को और वो एक जैसे नंबर है, यानी कि वन मल्टीप्लाई बाय वन हो रहा है, टू मल्टीप्लाइड बाय टू हो रहा है, थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री हो रहा है, फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर हो रहा है, फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव हो रहा है, इसका मतलब ये कि नंबर वन जो है वो फाइव है, यानी कि वन टू फाइव और नंबर टू भी फाइव है वन टू फाइव। तो यहाँ पे सेम नंबर आएंगे, वहां पे एक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एल्स कंडीशन में हम नंबर वन मल्टीप्लाइड बाय नंबर टू को शो कर देंगे। इसको मजीद बेहतर समझने के लिए हम इसके साथ ग्रिड की कमांड दे देते हैं, तो आपको जो विजुलाइज है ये देखें, विजुलाइज करना आसान हो गया कि 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 की जगह पे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो गई इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। अब इसी चीज़ को हमने कहा था कि हम थोड़ा सा फ्रेम में देख लें तो हमारे पास चीज़ें जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। तो हम कहते हैं कि इसके लिए हम यूज़ करते थे नेस्ट, जो अपनी कमांड थी वो हमारी थी नेस्ट लिस्ट की, नेस्ट लिस्ट फॉर फंक्शन ऑफ एक्स टिल फाइव। ये देखिए ये हमारे सामने फंक्शन आ गया, तो अब हम इसी फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं फ्रेम्ड कर लेते हैं। नेस्ट लिस्ट जो है उसमें एक्स फाइव तक उसे फंक्शन ऑफ एक्स की बजाय फ्रेम्ड फंक्शन कर लेते हैं, एफ आर ए एम। ये देखिए फ्रेम का फंक्शन आ गया। अब ये मेरे पास फ्रेम बहुत है, तो ये जितने फ्रेम मुझे चाहिए हो उतने फ्रेम जो है वो उसके मैं बना सकता हूँ अपनी चॉइस के मुताबिक। अब अगर मैंने मल्टीपल लिस्ट देनी हो जिस तरह ऊपर अरे में मैंने दी हुई है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ फोल्ड लिस्ट का ऑप्शन यूज करूँगा। कैसे, फोल्ड लिस्ट फॉर, पहले सिंपल करके आपको दिखा देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई वैल्यूज और 1 2 3 4 and 5 एंड क्लोज। ये देखिए ये आपके पास वैल्यूज आ गई है। अब इन्हीं वैल्यूज को फ्रेम्ड वैल्यूज को मैं माइनर सा चेंज के साथ है कहता हूँ कि फोल्ड लिस्ट, फोल्ड लिस्ट और वैल्यूज को मैंने कर दिया क्या फ्रेम्ड, ये मैंने क्या कर दिया वैल्यूज को मैंने कर दिया है बेटा फ्रेम। जो अभी हमने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है ना वो काफ़ी उससे बेहतर हो जाती है फंक्शन फंक्शन ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू, नंबर वन एंड नंबर टू हमारे पास मल्टीपल फंक्शन हो गए एंड एक्स और रेंज या वैल्यू 1 2 3 4 5 5। तो ये हमारे पास, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसके ये देख ये आपके पास फ्रेम जो है वो आपके सामने शो हो गए, नंबर वन नंबर टू वाइव एक्स 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हमारे पास
नेक्स्ट था कि हम अपनी फोल्ड लिस्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज कर सकते हैं या उसकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, या फोल्ड लिस्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी नंबर्स को किस तरह से फंक्शंस में